हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट दिस सीरीज में करेंगे। द टॉपिक हेयर इज इनवेसिव एलियन स्पीशीज। देखिए, इनवेसिव एलियन स्पीशीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इनवेसिव एलियन स्पीशीज आप जनरली एनवायरमेंट में पढ़ेंगे आपके। सो एनवायरमेंट में इनवेसिव एलियन स्पीशीज पे आपसे दोनों प्रिलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रिलिम्स के क्वेश्चन में जनरली आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनवेसिव स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप बताइए इनवेसिव एलियन स्पीशीज क्या है और वो हमारे इंडिया के नेटिव स्पीशीज को कैसे डैमेज कर रहे हैं और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक, होलिस्टिक टॉपिक होगा। हम पढ़ते हैं व्हाट इज इनवेसिव एलियन स्पीशी। देखिए कीवर्ड्स, देखिए यहां पर दो कीवर्ड्स हैं, एक है इनवेसिव और एक है एलियन। सबसे पहले एलियन को समझिए। देखिए एलियन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज फॉरेन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया की टेरिटरी में ये नहीं पाया जाता। इट इज फॉरेन टू इट। फॉरेन का मतलब ये यहां का नहीं है। इट इज एलियन टू इंडिया। सो एलियन का मतलब क्या है, उस एनवायरमेंट के वो एलियन है, वो फॉरेनर है। ठीक है, अब इनवेसिव का मतलब, देखिए इनवेसिव में एक नेगेटिव कोनोटेशन है। नेगेटिव कोनोटेशन का मतलब क्या है कि उसने नेटिव स्पीशीज को खत्म कर दिया है और अपने आप को बढ़ा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट ए विच एग्जिस्टेड इन इंडिया, ठीक है, अब दूसरा एक प्लांट आया, प्लांट बी, दैट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज एलियन टू इंडिया। जैसे ही वो इस एटमोस्फेयर में आया, उसने क्या किया, प्लांट ए को खत्म कर दिया और अपने आप को इस्टैब्लिश कर लिया इस इकोसिस्टम में। सो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट बी इज द इन्वेडर हियर। इन्वेडर का मतलब क्या है कि उसने नेटिव स्पीशी को खत्म कर दिया और अपने आप को इस्टैब्लिश कर लिया इस इकोसिस्टम में। ठीक है जी, सो अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे, इट इज इन्वेसिव एलियन स्पीशी। सो एलियन मींस व्हिच इज फॉरेन टू द टेरिटरी, इन्वेसिव मींस का इसका मतलब क्या है कि इसने इस टेरिटरी को क्या कर लिया है, इन्वेड कर लिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर इनवेसिव एलियन स्पीशीज। देखिए द इनवेसिव स्पीशीज आर एलियन स्पीशीज इज अ स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड आउटसाइड इट्स नेचुरल और पास्ट और प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका मतलब क्या है कि एलियन क्या है, दे आर फॉरेन टू इट, फॉरेन टू द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। ठीक है जी, नेक्स्ट है, दैट इज इफ दिस स्पीशीज बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। यही मैंने आपको बताया है कि अगर उसने नेटिव स्पीशीज को हार्म करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, उसने उस इकोसिस्टम को इन्वेड कर लिया है। सो दैट मींस इट हैज नाउ बिकम इनवेसिव एलियन स्पीशी। इफ वन स्पीशी इज नॉट फ्रॉम द पर्टिकुलर टेरिटरी, इट इज नोन एज एलियन। But if that species becomes problematic to the native species, it becomes invasive alien species. You got the point? ठीक है? So यहाँ पर this is invasive alien species. Invasive alien species are the most common threat to amphibians, reptiles and mammals. So जो invasive alien species है वो क्या बन सकती है, उस particular ecosystem के जो भी amphibians होंगे, mammals होंगे, उनके लिए एक threat pose कर सकती है। सो दिस इज इनवेसिव एलियन स्पीशी। रीजंस क्या क्या है, देखिए अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम गुड्स को भी तो शिफ्ट कर रहे हैं। अब गुड्स की वजह से क्या हो जाता है कि कुछ स्पीशीज फॉरेनर हमारी टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, वो क्या बन सकते हैं, इट कैन पोज अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज।
So globalization has huge movements of people and goods leading to the introduction of new species. Next क्या है? अब इनका क्या है? इनकी कैपेसिटी बहुत होती है और ये फास्ट ग्रोथ करते हैं, तभी तो ये इन्वेड करते हैं. सपोज दिस इज द नेटिव स्पीशी, प्लांट ए, ये नेटिव है. अब छोटा सा पोर्शन आएगा प्लांट बी का. अब हम कह रहे हैं कि ये क्या है? इन्वेडर है. अगर ये इन्वेडर है तो ये क्या करेगा? नेटिव स्पीशीज को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा. अब ओवर पावर कैसे करेगा? जब ये लार्ज इन नंबर होगा, हाँ कि ना. अब जब ये लार्ज इन नंबर होगा, इसका मतलब क्या है? इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये इस स्पीशी को, नेटिव स्पीशी को क्या कर जाए? आउट नंबर कर जाए. सो दैट इज वाई इनकी ग्रोथ क्या होती है? इट इज वेरी फास्ट. नंबर थ्री आती है रैपिड रिप्रोडक्शन इन न्यू एनवायरमेंट. ये न्यू एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा अडैप्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली अडैप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें आपको हायर रिप्रोडक्शन रेट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा लेते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज हाई डिस्पर्सल एबिलिटी इन जनरल इकोसिस्टम. डिस्पर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फैलाना. ये अपने आप को आसानी से फैला लेते हैं, क्योंकि ये उस इकोसिस्टम में आसानी से अडैप्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हाई फीनोटाइपिक प्लास्टिसिटी. अब देखिए ये कीवर्ड है. फीनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज द एबिलिटी टू ऑल्टर ग्रोथ फॉर्म टू सूट करंट कंडीशंस. अब जो कंडीशंस उस इकोसिस्टम में प्रेवलेंट है, ये अपने आप को उससे ढाल लेते हैं और उसको अब्सॉर्ब करके मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं. ठीक है. सो यहां पर क्या है? प्लास्टिसिटी. देखिए प्लास्टिक क्या होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. और एनवायरमेंट में हमारे बहुत देर तक रहता है, तभी हमने इसको नाम क्या दे दिया? दैट इज प्लास्टिसिटी बहुत होती है. क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज हैं, ये नेटिव स्पीशीज को खत्म कर देते हैं और अपनी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा लेते हैं. दैट इज वाई द कीवर्ड हेयर, दैट इज हाई फीनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज यूज्ड. नेक्स्ट आता है वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब जो ये नई एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं, आसानी से ढल जाते हैं. दैट इज वाई दे कैन रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स. नेक्स्ट आता है अबिलिटी टू कंज्यूम वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप्स. अब देखिए अगर ये न्यू इकोसिस्टम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वहां के एनवायरमेंट का फूड टाइप्स अलग होंगे. और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अडैप्ट करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है उस एनवायरमेंट में, तो वहां का रहन सहन, वहां का खाना पीना आपको आसानी से अडैप्ट करना पड़ेगा. सो ये क्या करते हैं? फूड टाइप्स जो होते हैं, सपोज ये स्पीशी ये है, ठीक है, इट इज इन्वेडर स्पीशी, इसने इस इकोसिस्टम में जाना है, तो ये क्या करेगा? अगर इसको सर्वाइव करना है, इस इकोसिस्टम के जितने भी फूड टाइप्स हैं वहां पर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये आसानी से इसको अडैप्ट कर लेते हैं. दैट इज वाई दे रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, जिससे कि वो नेटिव स्पीशीज को क्या कर दे? खत्म कर दे. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर द रीजंस व्हाई दे आर नोन एज इनवेसिव एलियन स्पीशीज. अब देखिए इससे इंपैक्ट क्या हो सकता है. आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा. अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज इनवेसिव एलियन स्पीशीज, रीजंस क्या है इसके बिहाइंड की इतना ज्यादा ये थ्रेट क्यों पोज करते हैं नेटिव स्पीशीज को, और इसका इंपैक्ट क्या है. देखिए इंपैक्ट तो जनरल ही है, वो क्या कर लेगा? हमारे नेटिव इकोसिस्टम को ओवरवेलम कर देगा. ओवरवेलम का मतलब क्या है? आउट नंबर कर देगा हमारे नेटिव स्पीशीज को. ऐसे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स एज दे कैन कैरी डिजीजेस. अब अगर दूसरे एनवायरमेंट से आ रहे हैं, तो ये अपने साथ डिजीजेस भी लेके आएंगे. दैट कैन पोज अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज. ठीक है जी. ऐसे ही आउट कंपीट और प्रे ऑन द नेटिव स्पीशीज. वही जो हमारे नेटिव स्पीशीज हैं, उनको खत्म करने के लिए ये क्या करेंगे? उन पे ही, उनको ही प्रे बना लेंगे. तो हमारी जो नेटिव स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी. ठीक है जी. नेक्स्ट ऑल्टर दी फूड चेन्स एंड इवन दी एंड दे कैन इवन चेंज दी माइक्रो हैबिटेट
destructions. So यहां पर क्या करेंगे, जो भी habitats exist करते थे, so उन habitats को भी क्या कर देंगे, ये destruct. So these are some of the impacts which are known to have with the invasive alien species. So वहां के जो native ecosystem है उसको harm पहुंचेगा. अगर native ecosystem को harm पहुंचेगा तो मतलब वहां का ecological balance खराब हो गया, है ना. इकोलॉजिकल जो बैलेंस मेंटेन था वो इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो चुका है. अब जब इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा तो हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, इवन द ह्यूमन बीइंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं. अब आपको सर्वाइव करना है. अगर कोई प्लांट है जो आपके लिए बेनिफिशियल था, अब वो नहीं रहा क्योंकि इनवेसिव एलियन स्पीशीज यहां पर एंटर कर चुकी है. ठीक है, सो दीज आर दी इंपैक्ट्स. अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो एक्चुअली में हेल्प करती हैं टू कॉन्कर दिस इनवेसिव एलियन स्पीशीज. पहला है इन 12th फाइव-ईयर प्लान विच प्रपोज्ड अ नेशनल इनवेसिव स्पीशीज मॉनिटरिंग सिस्टम. देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी कंट्री की रादर जब इनवेसिव एलियन स्पीशीज एंटर कर जाते हैं, हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो उस नेटिव स्पीशीज को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते हैं. तो हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है. तो 12th फाइव-ईयर प्लान में क्या बोला गया था कि नेशन वाइड हमें पता तो होना चाहिए, हम कम से कम मॉनिटर तो कर सकें कि कौन से इनवेसिव स्पीशीज हमारे इंडिया में टेरिटरी में एंटर किए हैं, और हम देखें कि वो नेटिव स्पीशीज को हार्म तो नहीं कर रहे. अगर वो नेटिव स्पीशीज को हार्म कर रहे हैं तो हम उसको कैसे टैकल करें. दिस इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू में क्या है, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन इम्पोर्ट इन इंडिया ऑर्डर 2003, वहां पर भी हमने इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की बात करी है कि इनको हम टैकल कैसे कर सकते हैं. द लास्ट वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट ऑफ 1914. सो यहां पर एक और एक्ट बना हुआ है जो एक्चुअली डील करता है विद द इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. अगर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज नेटिव स्पीशीज को प्रॉब्लम दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज गिवन अंडर दिस एक्ट. ऐसे ही EPA के अंडर, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इस एक्ट के तहत भी बोला गया है कि इनवेसिव एलियन स्पीशीज एक थ्रेट है टू द नेचुरल एनवायरमेंट. ठीक है जी, सो दीज आर दी सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द ओवरवेलमिंग ऑफ द इनवेसिव एलियन स्पीशीज. ऐसे ही हम इंटरनेशनल एफर्ट्स देख लेते हैं. अच्छा, एक पॉइंट है, यह आप लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स से कोट कर सकते हैं कि जो हमारी रीसेंट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019 थी, उसमें भी एक पॉइंट लिखा गया है कि जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं वो एक सीरियस थ्रेट है टू दी फॉरेस्ट्स. अब क्योंकि जो हमारे नेटिव स्पीशीज हैं उनको वो क्लियर कर रहे हैं ऑन लार्ज नंबर, तो यहां पर गवर्नमेंट को अपने स्टेप्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट और एक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज. सो आपकी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहां पर भी ये लिखा गया था. अब देखिए इंटरनेशनली कौन कौन सी है ऐसे. सो इंटरनेशनली आपको द IUCN इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया गया है. अब यहां पर क्या है, इनका एम क्या है, टू रिड्यूस द थ्रेट्स टू नेचुरल इकोसिस्टम. सो IUCN के तहत आपको इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप देखेगा जहां पर वो टैकल कर रहे हैं प्रॉब्लम विद द इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. नेक्स्ट, ऐसे ही HE टारगेट्स मिलेंगे आपको बायोडाइवर्सिटी के, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 8 ऑफ द CBD व्हिच डील्स टू इरेडिकेट द एलियन स्पीशीज. And the last one is Global Invasive Species Program. So, एक particular program, एक specific program चल रहा है to mitigate the problem of this invasive alien species. So, these were the international efforts. अब देख लेते हैं, देखिए यहां से आपका prelims का question बनता है कि कौन कौन से commonly found alien species in India है. ठीक है, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन जो जो करंट अफेयर्स में था कि हाँ ये इन्वेसिव एलियन स्पीशी इंडिया में पाया गया है उसकी खबर आपको पता होनी चाहिए. तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन तब सिंपल होगा जब आपने पढ़ रखा है. तो सबसे पहला है अफ्रीकन
एप्पल स्नेल, ये अफ्रीकन एप्पल स्नेल जो है ये आपको इंडिया में अब मिलता है। जनरली ये कहाँ का है? अफ्रीका का है, लेकिन ये माइग्रेट होके बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अफ्रीकन एप्पल स्नेल। नेक्स्ट आता है पपाया मीली बग, ये भी जो है वो वैसे कहाँ का नेटिव है? मेक्सिको का, लेकिन अब कहाँ पाया जाता है? दैट इज इन इंडिया। नेम इज पपाया मीली बग। नेक्स्ट इज कॉटन मीली बग। अब कॉटन मीली बग जो है, अगेन इट इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, लेकिन अब कहाँ पाया जाता है? इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अमेज़न सेल फिश कैटफिश, सेल फिन कैटफिश, ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द फिश ऑफ कोलकाता। सो हमारी जो नेटिव फिश है उसके लिए एक ये थ्रेट पोज कर रहा है। सो दिस इज द अमेज़न सेल फिन कैटफिश। ऑब्वियसली बात है, नेटिव स्पीशीज कहाँ का है? अमेज़न का, ठीक है। सो वहां से ये कहां पर आ चुका है? इंडिया में अब ये थ्रेट पोज कर रहा है टू द नेटिव फिश। सो दीज आर सम कॉमनली फाउंड इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इन इंडिया। यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट नाम याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। और एक्चुअली में किस कंट्री का था ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पपाया मीली बग नेटिव किसका था? मेक्सिको का, लेकिन अब कहां पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। ऐसे ही कॉटन मिली बग वैसे नेटिव कहां का है? नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन अब जनरली आपको कहां देखने को मिलता है? दैट इज इंडिया में भी देखने को मिलता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द कॉमनली फाउंड इन्वेसिव स्पीशीज इन इंडिया। अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड होंगे आपको अपडेट करते रहना है इसी शीट पे, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, इससे आपका क्या है बहुत इजी हो जाएगा। अगर कुछ बाद में आपको एडिशंस करनी है तो आप इसी टॉपिक में यहीं पर ऐड कर लीजिए। सो आज हमने क्या देखा, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या है, वो करते क्या है, उनका रीजन क्या है मल्टीप्लाई होने का, इम्पैक्ट क्या करते हैं, और गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या रहे हैं टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।